जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी मित्रों। चंद्रवन्नी भक्तराज चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्तराज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करवद प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमय हो। तो चंद्रवन्नी भक्तराज चैनल के माध्यम से हम आज बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 18 से लेके 24 सितंबर 2023 का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। बात करेंगे जीवन के हर पहलू के कि कैसा रहेगा यह सप्ताह आपके लिए, और वीडियो के अंतिम में बात करेंगे सुंदर से सटीक से महत्वपूर्ण उपाय की, जिस उपाय को करके आप इस सप्ताह को सफलदायी लाभदायी आनंददायी बना सकें। तो सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो अब ज्यादा देर न करते हुए बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 18 सितंबर से 24 सितंबर का यह सप्ताह। तो आज का जो यह कार्यक्रम होगा यह चंद्र लग्न से आधारित होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह जो है किसी से बात व्यवहार करते समय अपने क्रोध में नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। तो इस सप्ताह जो है वृश्चिक राशि के जातकों को विशेष ख्याल यह रखना है, विशेष ध्यान आपको यह रखना है कि किसी से भी जब आप बात करें तो अपने क्रोध पे आपको नियंत्रण रखना होगा, बिल्कुल भी आपको गुस्सा इस सप्ताह नहीं करना है। ध्यान रहे कि इस सप्ताह जो है आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही जो है बात बिगड़ भी सकती है। तो इसलिए जब भी बात करें तो बिल्कुल सोच समझ करके आपको बात करनी है, नियंत्रण के साथ आपको बात करनी है और क्रोध आपको जो है बिल्कुल भी इस सप्ताह नहीं करना है। तो ऐसे में किसी से क्रोध या आवेश में आकर बातचीत करने से आपको बचना होगा। और सप्ताह की शुरुआत में जो है वृश्चिक राशि के जातकों को सप्ताह के शुरुआती भाग में आपको अपनी चल अचल संपत्ति अथवा जो निजी जीवन से जुड़े जो विवाद हैं, निजी जीवन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए जरा ज्यादा ही भाग दौड़ आपको करनी पड़ सकती है। तो चल अचल संपत्ति अथवा जो निजी जीवन है उसमें जुड़े जितने भी विवाद हैं उन विवादों को सुलझाने के लिए इस सप्ताह थोड़ा सा भाग दौड़ आपकी ज्यादा हो सकती है। इस दौरान आपको जो है वृश्चिक राशि के जातकों को अपने आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ जो है पारिवारिक जिम्मेदारियां भी, जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं तो पारिवारिक जिम्मेदारियां भी जो है परेशानी का सबब आपके लिए बनती भी दिख रही है। तो कार्य क्षेत्र से भी, तो कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं भी होंगी और परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं भी इस सप्ताह जो है आपके सामने आ सकती हैं। यदि वृश्चिक राशि के जो जातक है, यदि आप अपने अभिमान को पीछे रख करके, अपने अभिमान को जो है पीछे रख करके लोगों के साथ जो है सुलह और समझौते करने को राजी अगर हो जाते हैं, अपना जो अभिमान है उस अभिमान को छोड़ करके समझौते के लिए अगर लोगों के साथ जो है आप समझौते के लिए राजी हो जाते हैं, तो आपकी जो आधी मुश्किलें हैं, आपकी आधी मुश्किलें जो हैं वह समाप्त हो सकती हैं। तो इसलिए इस सप्ताह आपको बिल्कुल अभिमान को पीछे छोड़ना है, अभिमान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर पाए तो आधी मुश्किलें जो हैं आपकी समाप्त होते हुए दिख रही है। ऐसे में कार्यस्थल पर जो है किसी से टकराने की बजाय जो है लोगों को मिला करके आपको आगे चलना है। तो कार्यस्थल में जहां भी आप कार्य करते हैं वहां बिल्कुल भी किसी से वाद विवाद आपको नहीं करना है, इसके बजाय जो है लोगों के साथ मिलकर या लोगों को मिलाकर आपको आगे बढ़ना है। यदि जो है वृश्चिक राशि के जातक विदेश में अपना करियर बनाना चाहते हैं या कारोबार करने की सोच रहे हैं, तो इसमें जो है आने वाली बाधा के चलते आपका मन परेशान हो सकता है। उसमें अगर आप प्रयासरत हैं तो उसमें कुछ बाधाएं आएंगे, जो अगर विदेश में करियर और कारोबार का अगर आप सोच रहे हैं तो जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें कुछ बाधाएं आएंगे, जिसके कारण थोड़ा सा आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। संतान से जुड़ी कोई समस्या जो है इस सप्ताह आपकी चिंता का कारण बन सकती है। तो इस सप्ताह जो है वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, कोई संतान से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, जिसके कारण आप जो है चिंतित रहेंगे, चिंता का कारण आपके लिए वह बनेगी। बात करें प्रेम प्रसंग की, तो प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 18 से 24 सितंबर के मध्य। तो प्रेम प्रसंग के लिए यह जो सप्ताह है, इस सप्ताह जो है मिला जुला साबित होने वाला है आपके लिए प्रेम प्रसंग के मामले में।
कि खट्टी मीठी तकरार के साथ जो है आपके रिश्ते सामान्य बने रहेंगे और हालांकि जो है किसी भी प्रकार के विवाद से आपको इस सप्ताह बचना होगा, किसी भी प्रकार से विवाद आपको नहीं करना है और गलत फहमियां जो भी आपके बीच में गलत फहमियां हैं उन गलत फहमियों को जो है संवाद के द्वारा बातचीत के जरिए जो है आपको दूर करने का प्रयास करना है। तो जो भी आपके बीच में जो भी गलत फहमियां हैं उन गलत फहमियों को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि संवाद के द्वारा वह सुलझाई जा सकती हैं, बातचीत के द्वारा जो है वह समस्याएं आपकी सुलझाई जा सकती हैं। अब बात करेंगे इस सप्ताह के लिए उपाय की, वृश्चिक राशि के जातक उपाय क्या करें जिससे इस सप्ताह को आप सुफलदायी, लाभदायी, आनंददायी बना सके। तो वृश्चिक राशि के जातकों को उपाय के तौर पे इस सप्ताह जो है प्रतिदिन बजरंग बली की आपको पूजा करनी है, भगवान जो है हनुमान जी का आपको पूजन करना है, बजरंग बली का ध्यान स्मरण करना है श्रद्धा भक्ति के साथ में, और गुड़ और तुलसी दल जो है आपको हनुमान जी को समर्पित करना है और प्रतिदिन आपको जो है 7 बार जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना है। प्रतिदिन आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप यह उपाय करेंगे तो आप इस सप्ताह को सुफलदायी, लाभदायी, आनंददायी बना पाएंगे। तो इस उपाय को अवश्य करें ताकि इस सप्ताह को जो है सुफलदायी आप बना सकें। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे करेंगे समाप्त, पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो आज का वीडियो अगर हमारा आपको पसंद आया तो वीडियो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके। तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक मां भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।